हेलो। चलिए तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो 19वीं सदी हुआ करती थी, यानी कि हमारे दादा परदादा का वक्त, इसमें जो है वाहन, यानी कौन कौन से इस्तेमाल होते थे, कौन कौन से जानवरों को वाहन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। सबसे पहले आती है बैलगाड़ी। 19वीं सदी का जो शुरुआत से लेकर 20 तक और हमारे आज़ादी के वक्त तक बैलगाड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। तकरीबन हिंदुस्तान की जो हर घर था, हर एक घर में बैलगाड़ी हुआ करती थी और सब लोग, मतलब बड़े बड़े काम, बहुत सारे हम लोग, जैसे कि आज के वक्त हम यहाँ से दूसरे शहर जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं, बस का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त में जो है बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि जो बारातें होती थी वो बैलगाड़ियों में जाया करती थी, दो दो तीन तीन दिन के सफर वो लोग करके बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में आती है घोड़ा गाड़ी। जिस तरह बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था उसी तरह घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल भी किया जाता था लंबे सफरों के लिए भी, और जिस तरह आज हम लोग रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं खास छोटे सफर के लिए, यहाँ से वहां जाने के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा पैमाने पर किया जाता था। आज भी बहुत सारे लोगों के यहाँ बैलगाड़ी है, मगर उसको सफर के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसको काश्तकारी के काम के लिए, खेती के काम के लिए इस्तेमाल करते। इसी तरह आज भी हमारे हिंदुस्तान के कुछ शहर हैं जहाँ पर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है सैयाहों को, टूरिस्टों को घुमाने के लिए। इसी के साथ में अगर हम लोग आगे बढ़े, उस वक्त में साइकिल का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। उस वक्त में जो लोग हैं वो साइकिल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करने लगे कि वो लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे। अपने दोस्त को, अपने घर वालों को बैठा कर या अपनी बीवी को बैठा कर वो लोग एक शहर से दूसरे शहर साइकिल की मदद से तीन तीन चार चार घंटों का जो सफर किया करते थे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। इसी के साथ साथ उस वक्त में मोटरसाइकिल भी थी और कार भी थी, मगर मोटरसाइकिल और कार का इस्तेमाल सिर्फ वो लोग ही करते थे जो बहुत, जिनके पास पैसा हुआ करता था, जो बहुत ज़्यादा रईस हुआ करते थे और जो बहुत बड़े बड़े अफसर हुआ करते थे, ऐसे लोग मोटरसाइकिल और कार का इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह रेलगाड़ी का भी था, रेलगाड़ी का सफर वहाँ पे उस वक्त में था, बहुत सारे लोग जो है रेलगाड़ी का इस्तेमाल करके उस वक्त में सफर किया करते थे।